लीजिए, आ चुकी है 2023 की ऑल न्यू सुजुकी एक्सेस। जी हाँ, एक बहुत ही बेहतर शानदार OBD2 का अपडेट कंपनी इस गाड़ी में की हुई है। ये ऑल न्यू LED DRL भी देख सकते हो, जो कि पहले ही आ चुका था तो आप सभी को पता ही होगा। और ये भी आपको कंपनी टॉप लाइन वेरियंट्स में इनके ऑफर कर रही है। बहुत ही बेहतर LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, जो कि आपको नाइट विजन में बहुत ही बेहतर शानदार रिस्पॉन्स निकाल के देता है। साइड से अगर बात करोगे तो साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको इस गाड़ी में मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं सेफ्टी वाइज एक बहुत अच्छी बात है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया। मीटर कंसोल की बात कर लेंगे तो मीटर कंसोल आपको फुली डिजिटल कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है। लेकिन आप यहाँ पे देख लो, डुअल कलर कॉम्बिनेशन में गाड़ी आपको आती है। उसके अलावा सिंगल कलर कॉम्बिनेशन देख लो पूरा, आपको ये आपको चॉकलेटी कलर टाइप देखने को मिल रहा है, मेटेलिक ब्राउन। बाकी ये LED DRL पेपर आप लोग नोटिस कर लो, जो कि इस गाड़ी का लेटेस्ट और बड़ा अपडेट कंपनी ने किया हुआ है। ऑल न्यू LED DRL कंपनी आपको यहाँ प्रोवाइड कर रही है, तो ये भी आपको नाइट विजन में बहुत ही बेहतर और शानदार रिस्पॉन्स निकालते हैं। बाकी फ्रंट से देखोगे तो आपको 12 इंचेस वाले टायर देखने को मिल जाते हैं, 90x90 वाले। डिस्क की साइज़ बहुत अच्छी है, लगभग 100 cm के डिस्क मिलती है, तो ब्रेकिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी की प्राइसिंग में अपडेट आ चुका है। जी हाँ, पहले जो गाड़ी की बेस मॉडल स्टार्ट होती लगभग 1,00,000 के आसपास, 1,00,000 से स्टार्ट होती थी, अब वो 1,02,000-3,000 रुपये से स्टार्ट हो रही है बेस वेरियंट, 1,03,000 रुपये से। और ये टॉप लाइन वेरियंट अपने पास अवेलेबल है, ये आपको लगभग कॉस्टिंग करती है 1,15,000-17,000 रुपये के आसपास। तो एक बार 1,15,000 के अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग करती है। गाड़ी के लुक ले सकते हो, नॉर्मल आपको LED आपको इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं, आपको नॉर्मली बल्ब वाले मिलते हैं, और ये LED DRLs कंपनी प्रोवाइड कर देती है। देखने में बहुत अच्छा लगता है गाड़ी का लुक, ओवरऑल रिस्पॉन्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। मीटर कंसोल भी बात करोगे गाड़ी का बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक बार फ्रंट से चुका है, हेडलैम्प सेटअप और जो रिस्पॉन्स निकलता है वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही अमेजिंग निकल के आता है। तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आजकल थोड़ा बारिश की माहौल इधर चल रही है, देख सकते हो। बाकी एक बार गाड़ी का आप फुल लुक ले लो, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार लुक है। लुक में कहीं से भी आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, एक बहुत ही बेहतर और शानदार ओवरऑल आपको इस गाड़ी में लुक मिल रहा है। LED DRL के पर्सनली मुझे बहुत ही बेहतर लग रहे हैं। आप लोग कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा आपको LED DRL कैसे लग रहे हैं। बाकी हेडलैम्प भी बहुत अच्छा है, हेडलैम्प में भी कोई आपको शिकायत नहीं होगी। एक स्कूटर टाइप जो आपको फील चाहिए, जो रिस्पॉन्स वो आपको गाड़ी निकाल के देने वाली। सबसे बड़ा जो इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है, गाड़ी का एक बार आप लोग फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आता है। जी हाँ, साइड बाय साइड गूगल नेविगेशन मैप का सपोर्ट मिलता है, साइड बाय साइड असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर मीटर कंसोल है। जी हाँ, अगर हम बात कर लें जो इस सेगमेंट की गाड़ियाँ उनमें वन ऑफ द बेस्ट मीटर कंसोल है। तो अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हैं 1,15,000-14,000 रुपये, तो आपको बहुत एडवांस फीचर्स देखने मिल जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर हम 125 cc स्कूटर के हिसाब से बात कर लें, बहुत ही बेहतर मीटर कंसोल है, अच्छे खासे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। तो फीचर्स की भी कभी आपको कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है कहीं से भी। तो फीचर्स का एक कंपनी यहाँ पूरा भरपूर आपके लिए ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पे ये देख लो, आपको और नॉर्मल आपको USB कनेक्टर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप लोग फ़ोन अपना इजीली चार्ज कर लोगे, फ़ोन चार्ज करने में आपको कोई भी तकलीफ या दिक्कत परेशानी नहीं होगी, फ़ोन ओवरऑल आपको इजीली चार्ज बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इस गाड़ी के बारे में, तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी इसमें मिल जाती है, लगभग 160-165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ग्राउंड क्लियरेंस में कोई आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख लो, कंपनी ने SS125 की बहुत अच्छी बैचिंग की है। राइड कनेक्ट एडिशन ये मॉडल है, तो आपको ओवरऑल जो आपको हमने बताया राइडिंग कनेक्ट फीचर्स जो मिल जाते हैं वो आपको इस गाड़ी में कंपनी प्रोवाइड कर देती है, जो कि बहुत और बेहतर और शानदार बात रहती है। तो गाड़ी के लुक्स कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। डुअल कलर कॉम्बिनेशन को भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप 2023 में प्लान कर रहे हैं तो इस गाड़ी का डुअल कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल परचेस कर लीजिएगा, बहुत बेहतर है। उसके आगे बढ़ते हो, 125 cc का BS6 कंप्लायंट इंजन मिलता है, जो कि आपको 10.2 PS की पावर लगभग निकाल देता है। इसके साथ इस गाड़ी का जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है, गाड़ी की माइलेज। जी हाँ, अगर हम 125 cc के आपसे माइलेज के बारे में बात कर लें, तो इस गाड़ी का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर हम सेगमेंट की बात करेंगे तो ये गाड़ी आपको लगभग 45 से 50 km के लिए माइलेज इजीली निकाल के दे पाती है, जहाँ की बाकी जो इसके सेगमेंट की स्कूटर 40 से 45 निकालती है, ये गाड़ी आपको 45 से 50 निकाल के दे रही है। जिसकी वजह से इस गाड़ी का लगभग जो सेलिंग है वो लगभग हर महीने लगभग 30 से 40 यूनिट ये गाड़ी बिक जाती है। तो कहीं ना कहीं माइलेज बिल्कुल मैटर करता है, माइलेज इस गाड़ी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आपको बिल्कुल माइलेज पे इस गाड़ी का ध्यान रखना है। अगर आप परचेस कर रहे हैं तो माइलेज के आप इस गाड़ी के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, माइलेज गाड़ी का बहुत ही बेहतर है। बैक से अगर हम टेल लैंप की बात कर लें तो टेल लैंप भी बहुत बेहतर और शानदार है। जो कमी महसूस होती है, बैक का जो टायर साइज़ है वो आपको 10 इंचेस वाले मिलता है, लेकिन लगभग हर कंपनी अभी ही काम कर रही है। फ्रंट आपको 12, बैक आपको 10 का ऑफर कर रही है। CBS ब्रेकिंग वाली सपोर्ट मिल जाती है। बैक का ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फ्रंट और बैक दोनों ही ब्रेकिंग लगने वाली है, जिसके मतलब रोड पे सेफ्टी ग्रिप आपकी बहुत ही बेहतर बनती है। तो OBD2 का अपडेट क्या है, OBD2 का कंपनी सेंसर्स में अपडेट किए हुए हैं, थोड़े बहुत सेंसर्स को अपग्रेड किया गया। मिनिमम डाउन पेमेंट के अगर हम बारे में बात कर लें तो 30 से 3500 रुपये इस गाड़ी के लिए जाने वाला है। अब OBD2 का अपडेट हर गाड़ी में लगभग आ चुका है और आने वाला भी है, तो लगभग हर गाड़ी आपको सेंसर्स में थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन होते हुए मिल जाएंगे। बाकी ये आपकी 2023 की एकदम लेटेस्ट सुजुकी एक्सेस रहती है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 2023 में आप लोग बिल्कुल इस गाड़ी को चेकआउट कर सकते हैं, एक बहुत ही बेहतर और शानदार 125 cc में आपके पास सुजुकी की तरफ से ऑप्शन आ चुका है।
तो अगर आप वेट एंड सी ग्रॉली रेनो कुर्सी देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रॉयल ट्रेडिंग आपको नवानगर रोड पर मिल जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ डिटेल वीडियो आप सभी को अच्छा होगा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर पहले विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं। कोशिश हमारी यही लगी रहती है कि आप सभी को हम बाइक स्कूटर कार की दुनिया से अप टू डेट रखें। बाकी ये देखा आपने LED DRL, ये टॉप लाइन वेरिएंट मिलता है। उसके अलावा OBD2 सेंसर्स के अपडेट आ चुके हैं इस गाड़ी में, जो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर और शानदार कंपनी द्वारा अपडेट कर दिया गया है। बाकी डाउन पेमेंट आपको हमने बता दिया, डाउन पेमेंट बहुत कम पड़ने वाला है। अगर आपके पास ये गाड़ी है तो कैसा कुछ आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोग हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। गाड़ी आपको ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देती है, अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, जी हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या क्या कुछ आपको इसके प्लस पॉइंट लगते हैं, आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर आप इसके यूज़र हैं और आपकी बातें और लोगों तक पहुंच सके हमारे माध्यम से, तो बहुत अच्छी बात रहने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को भी अधिक से लोगों को शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके आप सभी की ऑल न्यू जस्ट लॉन्च सुजुकी एक्सेस 125 OBD2।